So hi guys, good afternoon. I am your Shivani Thakur. So welcome and welcome back in the video. So guys, आज की वीडियो होने वाली है इन्फॉर्मेशन पर्पस वाली. तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जीपीजीसी बिलासपुर में एडमिशन लेने का प्रोसीजर क्या है और क्या वहाँ पे बॉयज़ हॉस्टल है या नहीं है, क्या वहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल है या नहीं है, और अगर है तो वहाँ का ईयरली रेंट कितना रहता है और क्या मेस के चार्जेस भी उसी रेंट में इंक्लूड है. तो यस, इस वीडियो में आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं और ये सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए हैं डाई अनदर डे 9188 की आईडी से, जो मैं स्क्रीनशॉट अभी लगा रही हूँ. सो यस, इनके द्वारा मुझसे ये सारे सवाल पूछे गए हैं. तो दो दिन पहले इन्होंने मेरी कॉलेज टूर वीडियो के ऊपर कमेंट करा था. तो वैसे मैं वीडियो उसी टाइम बना देती, लेकिन जस्ट बिकॉज मेरे फ़ोन की डिस्प्ले गायब हो चुकी थी और दैट्स वाई आई एम लेट फॉर दिस वीडियो. तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट इन टू द वीडियो. सो गाइस, इनका जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि क्या जीपीजीसी कॉलेज में बीए है. तो यस, वहाँ पर बीए है, बीकॉम है, बीएससी है, बीवॉक है, वहाँ पर मैक्सिमम कोर्सेज हैं और वहाँ पर एमए, एमएससी वगैरह, यानी आप मास्टर्स भी उधर कर सकते हो. और जो इनका दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि एडमिशन उधर कब से होती है. तो अगर आपने ट्वेल्थ के एग्ज़ाम अभी दिए हैं तो आपकी जून के मिड या जून के एंड में आपकी जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो जाएंगी. और हमारा वे ऑफ एडमिशन क्या रहता है, तो जिस टाइम हमने कॉलेज ज्वाइन किया था तो उस टाइम हमने ऑफलाइन जाके अपनी एडमिशन की करवाई थी, यानी हमने कॉलेज में जाके एडमिशन करवाई थी ऑफलाइन, और काउंसलिंग भी हमारी जो है वो ऑफलाइन ही हुई थी, मतलब कॉलेज में हुई थी. लेकिन कोरोना के बाद हमने क्या, मतलब मैक्सिमम इंस्टीट्यूशंस में ऑनलाइन एडमिशन्स होती हैं, ऑनलाइन ही काउंसलिंग होती है. तो अभी का प्रोसीजर शायद ऑनलाइन रहेगा, वो तो अपडेट आएगी कॉलेज से तभी आपको पता लगेगा. और अब बारी है हॉस्टल्स के बारे में जानने की. तो हमारे जीपीजीसी कॉलेज में बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल दोनों हैं. बॉयज़ हॉस्टल में आपको ईयरली 9700 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं, जिनमें से मेस के जो चार्जेस हैं वो अलग रहते हैं. और जब आपका ईयर एंड होने पे आता है तो आपको 4000 की सिक्योरिटी वापस दी जाती है. मतलब अगर कैलकुलेट किया जाए तो आपका ईयरली रेंट आपको 6000 के बीच में पड़ेगा. और जो मेस के चार्जेस होंगे वो आपको मंथली पे करने पड़ेंगे. तो मेस का जो चार्जेस हैं मंथली वो है 3000. और हॉस्टल उन्हीं बच्चों को मिलता है जिनकी दूरी कॉलेज से 20 किलोमीटर तक तो होनी चाहिए, तो उन्हीं बच्चों को हॉस्टल जो है वो अलाउ होता है. तो गाइस, गर्ल्स हॉस्टल का भी ऐसा सेम रहता है कि वहाँ पे आपको 20 किलोमीटर की दूरी हमारे कॉलेज से चाहिए, तभी आपको जो है वो गर्ल्स हॉस्टल में एडमिशन मिलेगी. तो जो गर्ल्स हॉस्टल है और बॉयज़ हॉस्टल है उसमें अगर आपको एडमिशन चाहिए तो वो कॉलेज में जाके ही होगी, ऑनलाइन सिस्टम ऐसा कुछ भी नहीं रहता है. तो गर्ल्स हॉस्टल का रेंट ईयरली रहता है 10000. और यहाँ पे भी सेम है कि उसमें जो मेस के चार्जेस हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं. और मेस का चार्ज रहता है आपका 2000 के आसपास. और आपको हफ्ते में दो बार आउटिंग मिलती है जिसमें आपको 5 बजे से पहले वापस आना पड़ता है. तो ये थी हॉस्टल की जानकारी. तो एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको अपनी साइड से दे दूं कि हमारे कॉलेज में लाइब्रेरी है जहाँ पे आपको हर टाइप्स की बुक्स मिल जाएंगी, जो आपको अपनी स्टडी के टाइम पे चाहिए होंगी वो आपको सारी बुक्स उधर मिल जाएंगी. लेकिन आपको वो एक गिवन टाइम से पहले वहाँ पे वापस करनी पड़ती हैं, वरना आपको उसके चार्जेस लगना स्टार्ट हो जाते हैं. अगर आप उसको गिवन टाइम से पहले वापस कर देते हो तो आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट अलॉट हो जाएंगी. तो गाइस, इस वीडियो में मैंने आपको जो जो जानकारी दी है वो ली है मैंने अपने दोस्तों से, जो कि हैं श्रेय के भागीदार, जिनका मैं नाम इधर इधर डाल दूंगी. और ये होता है हमारी वीडियो का एंड. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले. और अगर आपको एनसीसी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हमारे कॉलेज की तो मैं उसका भी एक अलग से वीडियो बना दूंगी, आप बस कॉमेंट करना. सो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में. टेक केयर एंड गुड बाय.